हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास 12th से कंप्यूटर्स की लैब एक्टिविटी लेकर आई हूँ, जिसमें क्लास 12th में बच्चों को आप किस प्रकार के प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। आज हम आपको पांच टॉपिक्स बच्चों को बताएंगे। पहला है स्टार्ट एम एस वर्ड को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। नंबर टू, मिनिमाइज द विंडो को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे। नंबर थ्री, मैक्सिमाइज द विंडो यूजिंग री स्टोर बटन, विंडो को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे और री स्टोर बटन यूज कैसे करेंगे, री स्टोर बटन यूज करके विंडो को हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। नेक्स्ट नंबर फोर, क्लोज द विंडो यूजिंग क्लोज बटन को यूज करके हम विंडो को क्लोज कैसे करेंगे। एंड लास्ट, शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर को हम शट डाउन कैसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है स्टार्ट द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर कॉर्नर बटन पर, स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे और वहां से जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा या फिर एमएस वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड हम ऊपर में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से जाके हम एमएस वर्ड 2010 ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमाइज द विंडो को मिनिमाइज करना। इस विंडो को अगर हम मिनिमाइज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू, टाइटल बार ऊपर की हेडिंग हमारी टाइटल बार कहलाती है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा टाइटल बार कहलाती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट टू लिखा हुआ है। यहाँ से हम ये माइनस बटन है, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये बटन जो है हमारा मिनिमाइज बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये मिनिमाइज बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहां से हम मिनिमाइज ले सकते हैं। इसको हम रफ कर लेते हैं, सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लियर कर लिए इसको हमने, इसको कि अब यहाँ पर हम ले लेते हैं मिनिमाइज बटन, क्लिक करेंगे, ये देखिए विंडो हमारा मिनिमाइज हो जाता है। यहाँ से हम मिनिमाइज कर रहे हैं, ये हमारा नीचे टास्क बार में दिख जाएगा कि मिनिमाइज बटन कहाँ है, यहाँ पर ये विंडो हमारा मिनिमाइज हो जाता है। इसी प्रकार इसको हमको वापस क्लिक करना है, यहाँ पर हम आ गए बीच वाले बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमाइज द विंडो यूजिंग रीस्टोर बटन, रीस्टोर बटन को हमें रीस्टोर बटन को यूज करके हमें मैक्सिमाइज और रीस्टोर करना है। ये बीच वाले जो बटन है आप देख रहे हैं, रीस्टोर बटन, इस पर जब हम एक बार क्लिक करते हैं तो विंडो हमारा छोटा हो जाता है। जब विंडो छोटा हो जाता है तब यहीं पे ये ऑप्शन मैक्सिमाइज बटन यहाँ पर शो होता है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे ये विंडो हमें दिखने लगेगी। अर्थात एक बार जब आप क्लिक करोगे फुल स्क्रीन पे रहेगी तो यहाँ पे हमें रीस्टोर बटन शो होगा, और जब हमारा विंडो छोटा रहेगा तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज बटन शो होगा, जिससे कि हम विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्लोज द विंडो यूजिंग क्लोज बटन। इस विंडो को अगर हमको क्लोज करना है तो क्लोजिंग बटन को यूज करके, ये हमारा क्लोजिंग बटन है, इसको हमको यूज करके विंडो को क्लोज करना है। यहाँ से हम विंडो को क्लोज करते हैं तो ये पूछेगा कि यू वॉन्ट टू सेव चेंज द डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट को आपको चेंज करना है तो यस लिखेंगे, अगर आपको नहीं चेंज करना है तो नो करेंगे और वापस हम उसको बंद कर देते हैं। वो हमारा विंडो बंद हो चुका है, वापस देखिए ये विंडो भी हमारा बंद हो चुका है। तो इस प्रकार नेक्स्ट है हमारा शट डाउन। यहाँ स्टार्ट बटन पर हम जाएंगे और यहाँ से पावर बटन पर क्लिक करके शट डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा अपना सिस्टम जो है कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये थे 5 प्रैक्टिकल्स क्लास 5 के बच्चों के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको आप प्रैक्टिकल करके हमें बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप विंडो को मिनिमाइज करेंगे, फिर मैक्सिमाइज करेंगे, नेक्स्ट रीस्टोर बटन यूज करना है एंड देन क्लोज बटन यूज करके विंडो को क्लोज करना है, एंड लास्ट में पावर बटन क्लिक करके हम शटडाउन ऑप्शन को क्लिक
क्लिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैंने क्लास थर्ड के कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स कुछ डाले हैं, प्रैक्टिकल्स के वीडियो जिसे आप देख सकते हैं, उसे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें।